Very warm welcome to your beloved channel Unacademy UPSC हिंदी. मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों. और ये आज की जो क्लास है स्पेशल क्लास है. आज की क्लास में जो टॉपिक है वो भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और ज़रा आप एक बार बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़, मेरी वीडियो सब कुछ ठीक ठाक पहुँच रहा है जैसे पहुँचना चाहिए. और जुड़े हैं अर्पिता द्विवेदी, आ गई हैं आस्था, आकाश और पीयूष, वेलकम टू ऑल. और बच्चों को जोड़िए बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. बुलेट ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. भारत में उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ इकोनॉमिक उसके जो रिपरकशंस हैं उसके बारे में या जो प्रभाव हैं उसके बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है. साथ ही साथ मैगलेव टेक्नोलॉजी और हाइपरलूप, ये दोनों आज के एजेंडे में है, कोशिश करेंगे इसको पूरा करने के लिए. प्रिया आ गई हैं, वेरी वार्म वेलकम टू प्रिया. और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के. बच्चों हाई स्पीड सबको अट्रैक्ट करती है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो. और भारत के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो हमें हाई स्पीड ट्रेन्स की ज़रूरत भी है. पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि हमें बुलेट ट्रेन की हो, लेकिन हमारी जो ट्रेन की मौजूदा हालत है उसको सुधारने की आवश्यकता है. क्योंकि आप कभी अगर आ रहे हो इधर नॉर्दर्न इंडिया में, आप जब चलते हैं देखिए, जाड़ों में ट्रेन अक्सर लेट होती हैं और बहुत घंटों लेट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू हम ट्रेन अभी चला नहीं पाते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रोडक्टिव आवर्स, अगर आप एक आदमी को प्रोडक्टिव एंटिटी या एक यूनिट के रूप में देखते हैं, तो आप ज़रा इमेजिन करिए कि अगर उसका एक दिन का 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जो कि ट्रेन नॉर्मली लेट होती हैं, चला जाता है, तो कितना प्रोडक्टिव आवर चला जाता है इस देश का, जो कि किसी न किसी उत्पादन में यूज़ हो सकता था. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण हमें जो आने जाने के साधन हैं उसको और स्विफ्ट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए. और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी वर्तमान समय में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें बुलेट ट्रेन काफ़ी कैची है. और चूंकि हमारे पास ट्रेन का सबसे बड़ा जाल भी है विश्व में, जो दूसरे नंबर का जो ट्रेन का जाल है वो हमारे पास है. ट्रेन कि जो कैपेसिटी है वो तो भाई उसमें हम सभी को लगभग पीछे छोड़ सकते हैं. हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ ट्रेनों में सफ़र करता है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं. हाई स्पीड ट्रेन की जब बात हम करते हैं बच्चों, तो कुछ जो एलीट कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमारी नज़र बरदस्त चली जाती है. क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, वही वहाँ एवरेज स्पीड हो जाती है मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर. तो जो बीच का समय लगता है, जो समय बचता है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है. तो इसी को ध्यान में रख के बुलेट ट्रेन की संकल्पना दुनिया में भी हुई और बुलेट ट्रेन्स बनी. भारत में भी बुलेट ट्रेन्स आ चुकी है और बन रही है, अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर, उस पर भी चर्चा होगी. तो चलिए पहले जानने की का प्रयास करते हैं ये बुलेट ट्रेन है क्या. तो जो नॉर्मल स्पीड होती है ट्रेन की बच्चों, वो 100 से 120 किलोमीटर होती है. और अगर कोई ट्रेन मिनिमम 200 किलोमीटर की स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो हम ये मानते हैं कि इट शुड बी कॉल्ड एज बुलेट ट्रेन. इसे बुलेट ट्रेन कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों. एक चीज और जान लीजिए, बुलेट ट्रेन ऑफिशियल नाम नहीं है. बुलेट ट्रेन इज अ मिसनॉमर. अनऑफिशियली जो जापान की ट्रेनें हैं, जब ट्रेनें बनी वहां पे हाई स्पीड ट्रेन्स, तो उनको अनऑफिशियली जनता ने नाम दे दिया बुलेट ट्रेन. अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज हाई स्पीड ट्रांजिट और हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट, इस तरह के नाम होते हैं. बुलेट ट्रेन आम जनता का दिया हुआ नाम है और जो कि ऑफिशियली अनऑफिशियली आज यूज होता है. कृष्णा बिल्कुल गुरु जी को प्रणाम, आप भी आयुष्मान भव. और आगे बढ़ते रहे, अंकित आ गए हैं, नमस्ते. शालू आ गई हैं, और भी लोगों को जोड़ो बच्चों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों. आगे चलते हैं.
बुलेट ट्रेन क्या है ये? एक मिसनॉमर है, ऑफिशियल नाम नहीं है ये, ऑफिशियल नेम बुलेट ट्रेन नहीं है, याद रखिएगा। हाई स्पीड ट्रेन इसको कहते हैं, हाई स्पीड ट्रांजिट या फिर रैपिड ट्रांजिट, इसका ये नाम है बुलेट ट्रेन। आम जनता ने कहा क्या बात है, क्या स्पीड है इसकी, गोली की रफ्तार से जाती है, इसलिए इसको बुलेट ट्रेन कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, बुलेट ट्रेन भारत में भी आ चुकी है, आपको ये सारी बातें पता होंगी। बुलेट ट्रेन दो तकनीकियों पर आधारित होती है, दोनों तकनीकियां ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से आपको सवाल बन सकता है। तो बुलेट ट्रेन की जो दो तकनीकियां हैं वो रीजन स्पेसिफिक है और कंडीशन स्पेसिफिक है, वो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों शब्दों का मतलब। जैसे जो तकनीकी यूज होती है उसमें पहली टेक्निक है टिल्टिंग बुलेट ट्रेन, टिल्टिंग बुलेट ट्रेन, टिल्टिंग बुलेट ट्रेन यानी ऐसी बुलेट ट्रेन जो चलते चलते जरूरत पड़ने पर एक तरफ झुक सकती है, याद रखिएगा। जरूरत क्या पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। टिल्टिंग बुलेट ट्रेन जो सीधे ना चल के अगर जरूरत पड़ी कहीं कर्व आया तो वो झुक गई, और ये झुकी क्यों, क्योंकि आपको पता है कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक होता है अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह में बेंडिंग की जाती है, एक सिरा ऊंचा कर दिया जाता है, एक सिरा नीचा कर दिया जाता है। तो ये क्यों करते हैं बच्चों, टू गेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पे गति कर रहा है कोई पिंड, अब इसको केंद्र की तरफ एक बल की आवश्यकता होती है, और ये बल होता है mv2/r, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चों, और इसको कहते हैं अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। और जब कोई ट्रेन या फिर कोई बस कार सड़क पे गति करती है और उसे वक्राकार पथ पे मुड़ना होता है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप जो है सड़क को ही मोड़ दो, उसमें बेंडिंग कर दो, ठीक, अथवा वो ट्रेन में ही ऐसी व्यवस्था लगा दो कि ट्रेन मुड़ते समय टिल्ट हो जाए। तो एक टिल्टिंग बुलेट ट्रेन्स बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि आप इतने लंबे स्ट्रेच जो कि ऑलरेडी बना हुआ है नॉर्मल ट्रेन के लिए, उस पर आपको 300 किलोमीटर की रफ्तार चाहिए, 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चाहिए। अब ये प्राप्त करेंगे और कहीं जो रेल ट्रैक है वो कर्व्ड है, वो वक्राकार है, तो आप तो इंजन तुरंत बना सकते हैं ना बुलेट ट्रेन जैसी, लेकिन उतनी बड़ी रेलवे लाइन बनाने में तो हमें समय लगेगा। आप उस रेलवे लाइन को अपग्रेड कर सकते हैं, फिर से बिछाने में तो अच्छा खासा समय लगेगा ना बच्चों। हिमांशु राणा, कैन वी लर्न फ्रॉम अन एकेडमी फ्रॉम कंप्यूटर एज वेल? I'm not getting your syntax. Please correct your syntax first, then ask the question. Okay. आपको ये बदलना पड़ता, लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान न होने के कारण क्या होगा बच्चों? हम ट्रेन में ही ऐसी तकनीकी बना दें कि ट्रेन उसी स्ट्रेच पे चले, उसी ट्रेन पे चले और टिल्ट होकर के आवश्यक अभिकेंद्र बल ले ले ताकि इस ट्रैक से बाहर न चली जाए और मुड़ जाए। तो एक होती है टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गई होगी। कैन वी लर्न फ्रॉम अन एकेडमी फ्रॉम कंप्यूटर एज वेल आर ओनली फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन? यस, यू कैन लर्न फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल यूट्यूब ऑल्सो, सो यू कैन गो फॉर बोथ द ऑप्शन, बट वेन यू ज्वाइन द कोर्स यू नीड टू have that application on your computer also. Computer specific भी है Unacademy का application, तो आप अपने laptop पे भी उसे download कर सकते हैं। Are you getting this? तो हम लोग बात कर रहे थे tilting train की। Tilting train क्या है बच्चों?
ट्रेन के इंजन और ट्रेन की बोगियों को ही ऐसा बना दिया गया कि अगर उन्हें वक्राकार पथ पे मुड़ना हो इस स्पीड से, हाई स्पीड से, तो वो टिल्ट हो करके, एक तरफ झुक करके अपना अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लें और उसी ट्रैक पे बनी रहे उस रफ्तार से भी और सफर पूरा कर लें। अन्यथा क्या होगा, ट्रैक तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो इस ट्रैक से ये बाहर चली जाएंगी। ऐसा होता है ना, जब आप कभी सही से झुका ना पाओ अपनी बाइक किसी कर प्लेस पे, तो आप बाहर चले जाते हो, गिर जाते हो। ठीक है, चलिए, आप हिमांशु जी, आप जो है क्लास से संबंधित क्वेश्चन पूछें, बेहतर होगा, आपकी आपका जवाब दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, एक है टिल्टिंग बुलेट ट्रेन, यानी झुकी हुई बुलेट ट्रेन, झुकी हुई बुलेट ट्रेन, ठीक है बच्चों, जो कि स्वयं झुक जाए, उसमें तकनीकी है कि वो स्वयं झुक जाए, और ये तब होगी जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पुनः निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर करने का ना हो, पैसे ना हो अथवा समय ना हो, तो क्या करते हैं आप, टिल्टिंग बुलेट ट्रेन बना देते हैं। अभी चाइना और जापान में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी पे ही आधारित बुलेट ट्रेन है, यूरोपियन बुलेट ट्रेन भी टिल्टिंग टेक्नोलॉजी पे है। आप देखेंगे उन्हें जब तेजी से चलते हुए और जब वो मुड़ती हैं तो वो झुक जाती हैं, एक तरफ झुक करके चली जाती हैं। वो टिल्टिंग टेक्नोलॉजी इसीलिए है बच्चों, ताकि उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाए। दूसरा है बच्चों नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को बनाना आसान है, ठीक है बच्चों, नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को बनाना आसान है, लेकिन उसको रन कराना मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा स्ट्रेच बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्ट्रेच नया बनाना पड़ेगा, एलिवेटेड बनाना पड़ेगा, कंक्रीट से उसे जाम करना होगा, तभी तो आप उस पर बुलेट ट्रेन दौड़ा पाओगे। तो नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक होता है क्या क्या, पहला नए ट्रैक का निर्माण, नए ट्रैक का निर्माण करना होगा, दूसरा एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण, और तीसरा एनफोर्स्ड विथ कॉन्क्रीट आर एस्फाल्ट। आप नॉर्मल ट्रेन ट्रैक को देखते हैं, उसमें स्लीपर्स लगे होते हैं लकड़ियों के, अब तो वो हट गए, अब उसमें कॉन्क्रीट के गार्टर्स लगे होते हैं और उसपे उन्हें स्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन जो एलिवेटेड ट्रेन होगी बच्चों, अगर आप दिल्ली मेट्रो के ट्रेन के ट्रैक को देखते हैं तो आप देखिएगा, उनको इन्फोर्स किया गया है कॉन्क्रीट से, पूरा स्टील और कॉन्क्रीट के साथ जो है उन्हें ट्रैक बनाया गया, स्पेशली डिजाइन ट्रैक, और इट टेक्स लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम, याद रखिएगा। तो नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेन नॉर्मली आप केवल इंजन की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, बट यू नीड टू अपग्रेड ट्रैक। आपको अपग्रेड ही नहीं, नया ट्रैक बनाना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जबकि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन बनाने में कठिन है, आप सोच सकते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी ट्रेन टिल्ट हो जाए और घूम जाए, लेकिन इसको आप अपने जो पुराना जो रेल ट्रैक है उसको थोड़ा अपग्रेड करके भी चला सकते हैं। तो इंडिया के लिए टिल्टिंग बुलेट ट्रेन फिलहाल अभी समय की मांग है कि हम टिल्टिंग बुलेट ट्रेन अपने यहां चला लें, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे हम बुलेट ट्रेन की पटरियां अभी नहीं बिछा सकते, और बिछाएंगे भी तो इट विल टेक टाइम। तो टिल्टिंग बुलेट ट्रेन जहां भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर जहां पे पॉपुलेशन परसेंटेज ज्यादा है, जहां पे मालवाहक गाड़ियों से ज्यादा आवश्यकता यात्री गाड़ियों की है, वहां पे टिल्टिंग बुलेट ट्रेन उपयोग में लाई जा सकती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? टिल्टिंग बुलेट ट्रेन जैसे भारत, भारत में क्या है बच्चों, ह्यूज पॉपुलेशन,
और कमी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यहां पे बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर लाई भी जाए तो वो टिल्टिंग बुलेट ट्रेन होगी। अच्छा ठीक, अब नॉन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी में एक काम करना होता है आपको, वो काम ये होता है कि इन केस मोस्टली ये रूट जो होती है स्ट्रेट होती है, मैं नॉन टिल्टिंग की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट, और कहीं इन्हें कर्व लेना भी हो तो ये कर्व बहुत हल्का लिया जाता है, बहुत दूर में ये कर्व लिया जाता है कि इसको इसकी स्पीड न धीमी करनी पड़े और ये मुड़ जाए। तो दो तकनीकियां हैं, टिल्टिंग झुकी हुई ट्रेन जो कि अब झुक करके आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करती है, उस हाई स्पीड को मेंटेन रखा जाता है, और नॉन टिल्टिंग ट्रेन जिसके लिए पूरा का पूरा गेज बदलना पड़ता है, पूरा का पूरा ट्रैक बदलना पड़ता है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, हम लोग दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं पॉपुलेशन वाइज, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन में हमारा नंबर दूसरा है। ह्यूज पॉपुलेशन का मतलब है अत्यधिक जनसंख्या, ठीक है बच्चों, अत्यधिक जनसंख्या, ह्यूज पॉपुलेशन, एंड वी हैव पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो एंड वी आर लैकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण हमें समस्याएं उठानी पड़ती हैं। ये तो बात रही बच्चों हाई स्पीड ट्रेन की, हाई स्पीड ट्रेन के फीचर्स क्या होते हैं, ये तो तकनीकी की बात हुई, इसके फीचर्स क्या होते हैं। आपने कभी हाई स्पीड ट्रेन की वीडियो फोटो देखी है? आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैं जब आपके पास स्मार्टफोन है, आप कोई भी चीज चलती फिरती देख सकते हैं, उसकी वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग के समय में बच्चों ये सब कुछ नहीं था, अक्षरों से दोस्ती करके ज्ञान निकालना पड़ता था। अब तो आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स हैं, आप यहाँ पढ़ें और जब समझ में ना आए तो टिल्टिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेन क्या है आप जैसे ही डालोगे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगी, मिरेकुलस स्पीड में चलती हुई और टर्न लेती है तो वो झुक जाती है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और उसके हिसाब से चीजों को आप पढ़ते समय अपने कॉन्सेप्ट को उससे जोड़ लेंगे, तो आप जरूर देखा करिए। ठीक है बच्चों, बुलेट ट्रेन के फीचर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहला फीचर होता है स्ट्रीम लाइन शेप। ठीक है बच्चों, स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब होता है नो बल्की ग्रुप इज अटैच्ड, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन, ताकि एरोडायनामिक्स के का कोई विरोध ना हो, एयर के फ्रिक्शन का कुप्रभाव न पड़े, स्ट्रीमलाइन शेप। धारा रेखीय आकार, ठीक है बच्चों, धारा रेखीय आकार का क्यों, ताकि वायु के अवरोध को कम किया जा सके। नॉर्मली आप देखते हैं रेलवे का इंजन कुछ इस तरह से रहता है, बिल्कुल ब्लंट, लेकिन जो बुलेट ट्रेन्स होते हैं वो उनके इंजन कुछ ऐसे होते हैं, ताकि हवाएं जो इधर से आ रही हैं बच्चों वो हवाएं इसके लिए अवरोध का कार्य न करें और वो हवाएं आसपास से गुजर जाएं। आर यू गेटिंग दिस, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और बाकी रेल वाला इंजन क्या होता है, अब हवाएं आके टकराती रहे, ताकतवर इंजन है, चलता रहता है 50 की रफ्तार से 60 की रफ्तार से, लेकिन यहां क्या है, हवाओं का अवरोध होगा तो वो स्पीड को कम करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हां नहीं करते रहा करिए, नहीं लगता आप सो गए। हवाओं का अवरोध होगा तो रफ्तार में कमी आएगी, होगा कि नहीं? तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों बनाई जाती है, धारा रेखीय आकार इसलिए बनाया जाता है कि वायु के अवरोध से बचा जा सके। दूसरा है बच्चों, जो बॉडी होती है इंजन और बोगियों की, वो एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम।
एलॉय की बनी होती है। और आपने अपनी ट्रेन में क्या देखा है? लोहे की मजबूत बॉडी। एल्यूमिनियम एलॉय से बने होने के कारण इनका वेट हल्का होता है, तो दे आर लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट। वजन कम होगा बच्चों, तो आप बताओ उतने ही पावरफुल इंजन से इनको और तेज रफ्तार दी जा सकेगी। दैट्स व्हाई द बॉडी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है बुलेट ट्रेन। और तीसरी बात, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजन, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजन, वैद्युत इंजन चालित होती है। वैद्युत इंजन चालित होती है। आप पूछोगे सर क्या दिक्कत है डीजल में, तो मैं बताऊंगा बच्चों, वैद्युत इंजन चालित जो मोटर्स होती हैं उनका कंट्रोल आसान होता है, जबकि डीजल इंजन के कंट्रोल में दिक्कत होती है, तुरंत ब्रेक लगाना हो, उसमें जो ईंधन है वो ज्यादा नष्ट होता है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस को एग्जॉस्ट करता है, तो बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ जो पावर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगी वो आप डीजल से नहीं उत्पन्न कर पाते, ठीक है, या फिर आप गैसोलीन यूज करो। अगर गैसोलीन आप यहाँ यूज करने लगोगे वो काफी महंगा पड़ेगा, जिसको ATS कहते हैं। इसलिए बच्चों वैद्युत इंजन से ये चलित होती हैं, ताकि इनसे ज्यादा पावर उत्पन्न किया जा सके और इनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल भी आसान हो, इनका नियंत्रण भी आसान हो, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इसके जो है फीचर्स हैं। साथ ही साथ एक फीचर है स्लैब ट्रैक आर एलिवेटेड ट्रैक, ये नोट कर लेते हैं हम लोग। चौथा है एलिवेटेड ट्रैक एनफोर्स्ड विद कॉन्क्रीट ऑब्लिक एस्फाल्ट। इनका जो ट्रैक बनता है बच्चों वो या तो कॉन्क्रीट से अथवा एस्फाल्ट से उसको बांध दिया जाता है, बल दिया जाता है उसमें कि वो डिरेल ना हो जाए, ताकि ये जो ट्रैक है उस पे 300 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की रफ्तार पे चलने वाली उतनी बड़ी ट्रेन को संभाला जा सके। तो नॉर्मल ट्रैक पे अगर आप चलाएंगे तो पटरियां बिखर जाएंगी, इसलिए एलिवेटेड ट्रैक होनी चाहिए, जो कि हिंदी में लिख लीजिए, जो कि सीमेंट स्टील तथा अस्फाल्ट से बनी होनी चाहिए। ट्रैक, ट्रैक तो लोहे का ही होगा, लाइन लोहे की होगी, लेकिन वो लाइन लोहे की जो होगी दैट मस्ट बी एनफोर्स्ड विद दिस, ठीक है बच्चों। ये कुछ चीजें चाहिए होती हैं ताकि स्टेबल ट्रैक रहे और आपकी बुलेट ट्रेन चले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चे जो ये टॉपिक है उसमें एकेडमिक्स के हिसाब से है, यहां ये टॉपिक आपको GS के हिसाब से बताया जाएगा, वो और इलेबोरेटेड है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखना होगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो। और यहां आपको सीखना होगा सिर्फ और सिर्फ उसका ग्लिम्स, ताकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उस पर कुछ आए तो लगभग 150 से 200 शब्द आपके पास अपने होने चाहिए, जो उस 3 घंटे में आप लिख सकें, जो उस 3 घंटे में दुनिया के सबसे हैक्टिक दिन के समय आप दे सकें। इसके लिए आपको एक जनरल जो है परसेप्शन चाहिए होता है, जो हम लोग GS में कोशिश करते हैं, और बहुत इसको एकेडमिकली जो आप उसके जो पैरामीटर हैं उस पर आप इसे इस क्लास को नहीं रख सकते। और बहुत सारे इंजीनियर्स जो मुझे देख रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो आप बचकानी बात बता रहे हैं, बट यस, इतनी ही बातें आपसे पूछी जाती हैं कि कुछ बेसिक्स आप जानते हैं कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं भारत में बुलेट ट्रेन की।
bullet train in India. आपको पता ही है, इंडिया, जापान MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी और बन रही है। कहां से कहां तक? अहमदाबाद टू मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई स्ट्रेच लगभग 508 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन्स होंगे और मेन स्टेशन्स में बच्चों सूरत है, भरूच है, सूरत भरूच आनंद और सूरत भरूच आनंद वडोदरा लगभग 12 स्टेशन है। ये मैंने चार के नाम इसलिए लिखे हैं बच्चों, ये चार किसी न किसी कारणवश बहुत ही फेमस हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे आनंद, ऑपरेशन फ्लड, अमूल, इसके लिए भरूच, वहां पे पोर्ट है, सूरत अगेन इकोनॉमिक हब, तो ये किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक हब है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। प्रोमिनेंट स्टेशन से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है प्रिया, अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए। 508 किलोमीटर, 12 स्टेशंस, और अभी जो है आप ये 508 किलोमीटर तय करने में समय लगाते हैं कम से कम 9 घंटे, 9 आवर्स, और जब ये ट्रेन बन जाएगी तब टाइम लगेगा 2.6 आवर्स, यानी लगभग 2 घंटे 35 मिनट के आसपास का सफर हो जाएगा, जो 9 घंटे का सफर है। आप इमेजिन करें कितने प्रोडक्टिव आवर्स आप बचा रहे हैं, है कि नहीं? तो नटशेल में आप जान लीजिए, इंडिया जापान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन बनाने का, और 2022 तक बन जाएगा, ये 2022 तक बन जाएगा 2022, पहले था 2023 तक बनने वाला था, लेकिन काम इतनी तेजी से हो रहा है कि 2022 तक ये काम करने लगेगा। और इसमें जापान गवर्नमेंट ने पूरी जो कॉस्ट आएगी बच्चों, ये भी आपके लिए जरूरी है, कॉस्ट है लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 80% जो है वो जापान लोन के रूप में दिया है भारत को, जो कि अगले 50 साल में लिया जाएगा और 15 साल का ग्रेस पीरियड भी है। ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों? अगले 50 साल में लोन रिकवर किया जाएगा 80%, यानी इसका लगभग 88,000 करोड़ रुपए ये जापान अगले 50 साल में हमसे लेगा, और 15 साल ग्रेस पीरियड है, यानी टोटल हमारे पास 65 साल है, 65 years, जिसमें हमें ये लोन चुकाना है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है बच्चों कि जापान ने इसको चार्ज किया है 0.1% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से, इतना कम इंटरेस्ट रेट होने का मतलब है कि जापान हमारा मित्र है, 0.1% इंटरेस्ट रेट, और बाकी जो लोन है, बाकी जो अमाउंट है उसको वहन करेगी महाराष्ट्र सरकार प्लस गुजरात स्टेट गवर्नमेंट 25% ईच, और 50% जो बाकी बचा है ना, 88,000 12,000 प्लस 10,000 22,000 करोड़, ये
सरकारें वहन करेंगी, 50% सेंटर करेगी और 25-25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये तो बात रही, कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट है जो यहाँ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा स्पीड वगैरह तो आपको मैंने बताया नहीं, सबसे इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो और भी कुछ फैक्ट है वो ध्यान दे देते हैं हम लोग। जापान की कंपनी है शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो भारतीय रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। क्या नाम है बच्चों? शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्लस इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे मिलकर के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद टू मुंबई को पूरा करा जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें 12 स्टेशन हैं, 4 के मैंने इंपॉर्टेंट नाम बता दिए हैं। एक बार फिर से बताना, आप सो गई थी क्या शालू? एक बार फिर से बताना होगा क्या? आप जरा बताइए आप लोग मैसेज करके, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। कितने सारे डेटा लिखे गए थे, आप दोस्तों से मांग के या वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आर यू गेटिंग दिस? शिनकानशिन टेक्नोलॉजी, हिंदी में लिख दे रहे हैं बच्चों, शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और भारतीय रेल, शिनकानशिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और भारतीय रेल इसको जो है बनाने का जिम्मा ली है और बन रहा है बच्चों। स्पीड जो होगी हमारी वो होगी 320 किलोमीटर पर आवर, जस्ट इमेजिन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और 508 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर होगा 2.5 आवर्स में, जस्ट इमेजिन। और जबकि 508 किलोमीटर कवर करने में अभी 9 आवर्स के आसपास टाइम लग जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है बच्चों, और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं। अच्छा एक चीज और पूछी जा सकती है इससे, वो ये है बच्चों कि इसमें का जो 21 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा वो अंडरग्राउंड होगा, जमीन के अंदर होगा, और 7 किलोमीटर का स्ट्रेच जो होगा वो अंडर सी होगा, अंडर सी यानी समुद्र के अंदर। और अंडर सी ट्रेन चलाने वालों में भारत का भी नाम आएगा। ठीक है बच्चों, अंडर सी ट्रेन चलाने वालों में भारत का भी नाम, अभी फिलहाल यूएसए, रशिया, यूके, चाइना, और यूके कहने से ज्यादा अच्छा है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि कई सारी कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने अंडर सी ट्रेन चलाई है। तो लगभग 7 किलोमीटर का स्ट्रेच जो इसका होगा बच्चों, मुंबई के आसपास का, वो अंडर सी होगा, समंदर के अंदर से ये ट्रेन चलेगी। 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा और बाकी का 488 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक होगा। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे फैक्ट फाइल है, नोट करते जाइए, ये छोटे फैक्ट फाइल आपको बहुत काम आते हैं जब आप इसको डिटेल में लिख रहे होते हैं, अथवा इसके ऊपर कोई ऐसे वगैरह आया होता है तो उसमें जब आप इसे इलेबोरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, अगर आपके पास फैक्ट होते हैं तो उस पर कई सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं, तो ये फैक्ट फाइल आपकी तैयार होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों
अब बात करते हैं जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, वो ये है इस बुलेट ट्रेन का औचित्य, हमारे लिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, जहां से सवाल बनते हैं बच्चों। तो आइए, पॉजिटिव्स इसके क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव्स, तो पहला पॉजिटिव ये है बच्चों कि जहां जहां से ये ट्रैक जाएगा, जिस जिस क्षेत्रों को छूते हुए ये जाएगा, इवेंचुअली वो क्षेत्र धीरे धीरे इकोनॉमिक हब में या फिर किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में या फिर किसी न किसी प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि इवेंचुअली इकोनॉमिक हब उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि बुलेट रेल लाइन के आसपास विकसित होने लगेंगे। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, रेलवे लाइन जा रही है, उसके आसपास इस तरह की चीजें आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू में जब हम लोग बसना शुरू किए तो नदी घाटियों में बसने लगे, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, वो हम करके हम अपना जीवनचर्या चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिर रोड जब बनने लगी, हाईवेज जब बनने लगे, तो उसके किनारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगी, लोगों को आना जाना हुआ, लोगों का ट्रांजिशन होना शुरू हुआ, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग मिलने लगे। ठीक है बच्चों, तो उस अवस्था में आज का समय है जहां कहीं से भी हाईवेज जा रहे हैं, जहां कहीं से भी रेलवेज जा रही हैं, वो आसपास के क्षेत्र इवेंचुअली अपने आप किसी न किसी उत्पादन कार्य में, औद्योगिक क्षेत्र में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में विकसित होने लगेंगे। और अगर ये विकसित हुए तो ऑब्वियसली वहां आसपास रोजगार का सृजन होगा। ठीक है बच्चों, रोजगार का सृजन होगा। तीसरी बात, इसके कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, कंक्रीट में आपको पता है सीमेंट लगेगा, गिट्टियां लगेंगी, स्टील लगेगा, उसके बाद इसको बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट से रोजगार का सृजन, जिसको आप इस प्रोजेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के कारण रोजगार, और साथ ही साथ स्विफ्ट ट्रांजिट है तो प्रोडक्टिव आवर्स बचेंगे, और भी तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। आपको पता है मुंबई हमारी जो है बिजनेस कैपिटल है और गुजरात बिजनेस स्टेट, तो दोनों के बीच की दूरी समय के मामले में कम हो जाएगी, तो इफेक्टिवली और भी अच्छा बिजनेस होने की संभावना है। लेकिन नेगेटिव्स क्या हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें हैं, वो क्या होंगी उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, बुलेट ट्रेन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे हमारी अब अगली चर्चा होगी बच्चों। तो नेगेटिव्स में आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन का, चाहे वो यात्री रेल हो अथवा मालगाड़ी हो,
हम अगर इसकी इफिशियंसी बढ़ाने में वो पैसे लगाएं जो पैसे हमें उस प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं, तो हम कहीं ज़्यादा इफेक्टिव अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकते हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जो हमारा रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ज़रूरत है उसमें अपग्रेडेशन की। और अगर हम अपग्रेडेशन कर ले जाते हैं तो हम उसके कारण चीज़ों को और इफ़िशियंट बना लेंगे। मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए 12 घंटे का सफ़र हम 3 घंटे में भले ना कर पाएं, लेकिन अगर हम 6 घंटे में भी करने लगे और मास बेस में वो सफ़र करने लगे तो क्या होगा बच्चों? उस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका पूरा मास सफ़र कर रहा है, काफ़ी जनता सफ़र कर रही है, ठीक है बच्चों? तो उसका जो उत्पादन का समय होगा वो हम ज़्यादा इफेक्टिवली बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको पता है ट्रेन हमारी कितनी लेट होती हैं, ट्रेन से एक्सीडेंट से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, मानव रहित क्रॉसिंग्स हैं आज भी हैं जिसको दूर कर रही है रेलवे, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है करने को। तो कहने का मतलब है कि जो रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें मजबूत करना चाहिए। अगर वो हम कर लेते हैं तो बुलेट ट्रेन को वेलकम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन पे शिफ्ट कर लेना अपने आप को और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से न बना पाना, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए ठीक नहीं होगा। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे दोनों मिल करके इसको कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी हम चला रहे हैं और साथ ही साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं। हम अपने जो नॉर्मल जो ट्रेन रनिंग है, रनिंग ट्रेन है, वो सारी भी उसको भी सुधार सकते हैं। पीयूष ने कहा अपने पास से फिर सारा अमाउंट लगाना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक इक्विलिब्रियम दोनों में रखें, और उस इक्विलिब्रियम के लिए ये आवश्यक है, जो गवर्नमेंट कर भी रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बहुत तेज़ी से ट्रेन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, ट्रेन के ट्रैक को डबल किया जा रहा है और फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, तो ये बेहतर है। और बुलेट ट्रेन भी आ रही है, ये और अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और इफ़िशियंट बनाने की ज़रूरत है। बाकी रही बात पैसे मिलने और न मिलने की, तो वो तो भारत का कद इस तरह से बढ़ रहा है कि कोई भी यहाँ पे पैसे लगाने में हिचकता नहीं, तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, पॉजिटिव और नेगेटिव्स में अगर आप लिखेंगे तो कुछ नेगेटिव्स आप लिख सकते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि आप जब भी यूपीएससी में कोई आंसर लिखें और जहाँ आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो वहाँ आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पत्रकारिता वाला क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसी सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं और उस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करें। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, यूपीएससी ये आपसे मांग करता है, क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपके पास होता है। अदरवाइज केवल क्रिटिसिज्म में केवल कमियां दिखा के भाग जाना, ये कहीं से भी एक ब्यूरोक्रेट या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो गुण है वो नहीं दिखाई पड़ता। तो आपको कभी भी अगर क्रिटिकल एनालिसिस आए, क्रिटिकली एनालाइज, ये शब्द आता है बच्चों, कई सारे शब्द आते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग में, कभी क्लास होगी तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जब क्रिटिकली एनालाइज की बात आए तो कुछ ऐसे प्रॉस तो दिखाने ही चाहिए, लेकिन कुछ कॉन्स दिखाने चाहिए और जो एंड करना चाहिए वो होपफुल एंड होना चाहिए। अक्षत गर्ग ने कहा है कि डीफॉरेस्टेशन होता है रेलवे ट्रैक बनाने में, इसमें कोई दो राय नहीं, डीफॉरेस्टेशन बिल्कुल होगा, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट हैंड इन हैंड नहीं जा सकते, उसको सस्टेनेबल बनाना होगा। अगर कहीं आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है, अगर मान लीजिए वो फॉरेस्ट एरिया से जा रहा हो, तो जितना स्ट्रेच आप काट रहे हैं, इसीलिए तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना होता है, पूर्व आकलन, वातावरण में जो प्रभाव होगा किसी प्रोजेक्ट का उसका पूर्व आकलन करने के बाद वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करने की बात अब चलती है, ताकि एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट को एक साथ ले चला जाए।
तात्पर्य ये है कहने का बच्चों कि डेवलपमेंट से जितना एनवायरनमेंट खराब होता पहले, अब उतना न खराब हो, उसको हम मिटिगेट कर सकें, कम से कम नुकसान पहुंचाएं। तो उसमें बहुत सही बात आपने अक्षत ने कही कि डिफॉरेस्टेशन होता है, होगा, लेकिन जितना स्ट्रेच का डिफॉरेस्टेशन है, आप कहीं ना कहीं जो बैरन लैंड है या कहीं ना कहीं कोई लैंड है वहां एफॉरेस्टेशन करने के साथ उस प्रोजेक्ट को शुरू करिए। तो जब हम लोग एनवायरमेंट पढ़ते हैं उसमें EIA पढ़ा जाता है बच्चों, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि किसी प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट के दौरान और प्रोजेक्ट के कुछ सालों बाद करना होता है। उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एनवायरमेंट पे उस प्रोजेक्ट के क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसको पहले से एसेस करते हैं और उन इफेक्ट को कम कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिसको प्रोजेक्ट जो एक्सक्यूट कर रहा है वो उन चीजों को अपना करके जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके अमाउंट को कम करता है। तो यस, डेवलपमेंट में डिफॉरेस्टेशन होगा, एग्रीकल्चर में डिफॉरेस्टेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बनाइजेशन करेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा, बट यस, होने के साथ हम उसे कैसे कम कर सकते हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम बिना डेवलपमेंट के भी नहीं रह सकते और बिना एनवायरमेंट के तो नहीं ही रह सकते। तो हमें दोनों करना है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से करिए आप विकास कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कुछ छोड़ जाइए जो आपके लिए इंटैक्ट मिला हुआ था। तो इसी कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको हम लोग कभी देखेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे ट्रेन की, कुछ फ्यूचर बुलेट ट्रेन भी इंडिया में है प्रिस्क्राइब। उसमें है दिल्ली अमृतसर वाया चंडीगढ़, जो कि 2023 तक पूरा होने वाला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 223 दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर और वाया चंडीगढ़ है 2024 तक कंप्लीट होगा और लगभग 458 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है हमें 2 घंटे 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करना है। और मेन स्टेशन अंबाला चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर, अंबाला चंडीगढ़ लुधियाना और जालंधर, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैगलेव। मैगलेव ट्रेन्स क्या होती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में, जो कि और हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है। होता क्या है बच्चों, हम लोग मैगलेव पढ़ने जा रहे हैं, मैगलेव, ये फुल फॉर्म है मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो चुंबक का उपयोग करके ट्रेन को हवा में सस्पेंड कर देना, पूरी की पूरी ट्रेन को चुंबक का उपयोग करके हवा में सस्पेंड कर देना और चुंबक की ही सहायता से उसे आगे प्रोपेल करना। आपने बचपन में बच्चों चुंबक से खुराफात खेल खेला होगा, आप देखते होंगे एक स्थिति ऐसी आती है कि चुंबक को पास लाते ही चुंबक चिपक जाता है। वो कब होता है बच्चों, जब इसका विपरीत पोल पास लाया जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि जब ये विपरीत है तो ये चिपक जाता है, लेकिन जब ये सेम पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक वैसी ही तकनीकी यहां लेविटेशन हो गया। अगर आप उस चुंबक के ऊपर एक को नीचे रख के दूसरे को उसके ऊपर रखना चाहोगे वो चिपकेगा नहीं, वो ऊपर ही रुक जाएगा, इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। अब क्या करते हैं बच्चों कि ट्रैक जो होती है वो लोहे की बनी होती है, आयरन।
अब जो ट्रेन है उस ट्रेन के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। मैग्नेट, और इस तीव्र मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में, और ये ऑब्वियसली क्रिएट किया जाता होगा इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शब्द लिख देता हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मोटर आप लोग पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके मैग्नेट बना देना और मैग्नेट का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बना देना, जैसे जनरेटर होता है। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ये पूरी की पूरी ट्रेन इस ट्रैक पे ऊपर हो जाती है और बीच में बिल्कुल हवा रहती है, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है बच्चों, अब जरा सोचिए इस ट्रेन को प्रोपेल करना कितना आसान है। सबसे बड़ी चीज, ये इस पे डायरेक्टेड भी रहेगी, ये इधर उधर जाएगी भी नहीं, अपने ट्रैक पे रहेगी और ट्रैक से ये कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। उससे क्या होगा, इस ट्रेन को जब प्रोपेल करेंगे तो जो फ्रिक्शन लगता है या वियर और टीयर होता है, टायर मैं कह रहा हूं, जो इसके व्हील्स होते हैं और रेल की पटरियां होती हैं, उसके वियर एंड टीयर्स नहीं होंगे और स्मूथ राइड होगी, उछल कूद कहीं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ राइड होगी और कोई अवरोध नहीं होगा, तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। और यही मैगलेव टेक्नोलॉजी है। मैगलेव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक लेविटेशन, और मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज करके जो स्पीड अचीव की है, चाहे वो जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इन लोगों ने अच्छी खासी अचीव की है, जर्मनी, स्पेशली जर्मनी, जहां पे लगभग 400 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैग्लेव टेक्नोलॉजी से अचीव की गई है बच्चों। तो ये क्या है, मैग्लेव टेक्नोलॉजी। लेकिन समस्या इसकी ये है बच्चों कि इसके लिए आपको ये जो ट्रैक है वो स्पेशल बनाने होंगे, दैट मस्ट बी मैग्नेटिक। अच्छा, इसको प्रोपेल करने के लिए अगेन आप मैग्नेट ही यूज करते हो और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। फायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी तैयारी में जो ट्रैक बनाएंगे, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, और इसी के कारण ये हर जगह आप इसे नहीं बना पाते। ये बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड हेंस इट इज नॉट फीजिबल, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टेक्नोलॉजी में कोई एनर्जी आप जो है यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई अवरोध नहीं होता, तो ये हाईली इफिशियंट टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा इफिशियंट, एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है बच्चों, क्या है ये, एनर्जी इफिशियंट, सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी है। और तीसरी और अंतिम बात ये है बच्चों, इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस या कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं निकलता, सो इट इज पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री, एंड इट इज ऑल्सो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये है क्या, मैग्लेव, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन। इसके बाद अगला, वो भी मैं जल्दी से बता दूं, समय बीत रहा है बच्चों, नेक्स्ट वन इज, इसको इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्लेव। मैग्नेटिक लेविटेशन के बाद मोस्ट इफिशियंट है, एनर्जी इफिशियंट लिख लीजिए, पोल्यूशन फ्री लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज हाइपर लूप।
हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। इससे स्पीड आप जो पाते हो बच्चों वो लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर है, और ये स्पीड जो होती है जो यात्री विमान होते हैं एरोप्लेन्स जो होते हैं उनसे भी तेज है। ठीक है बच्चों, स्पीड इज 1200 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज इक्विवेलेंट टू प्लेन जिसमें हम आप हवाई यात्रा करते हैं, इतनी स्पीड हम अचीव कर सकते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले प्रपोज किया था या जिसने डिस्कवर किया था वो थे एलॉन मस्क। एलॉन मस्क आप जानते होंगे बच्चों, एलॉन मस्क बहुत लोगों के आइडियल हैं, सीईओ हैं ये टेस्ला के और स्पेस एक्स कंपनी के। कोई भी प्रोविजनल डिग्री इन्होंने नहीं ली, लेकिन कुछ भी ये पढ़ करके और सीखे हैं और सीख सकते हैं, और स्पेस एक्स में तो ये कमाल कर रहे हैं। इनका रॉकेट जो है फाल्कन 9 वो अपने आप में बेहतरीन है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अगर आप वीडियो भी देखना चाहें तो देख लें, बहुत इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं। इन्होंने पहली बार हाइपर लूप के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें एक ट्यूब होती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। स्पेस एक्स टेस्ला के ये सीईओ हैं इलॉन मस्क, बिलियनेयर, और 22वीं सदी में मंगल पे ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया है और उस पे काम भी कर रहे हैं, और स्पेस ट्रैवलिंग और स्पेस को पिकनिक स्पॉट बनाने के पीछे भी पड़े हुए हैं, और बहुत ही ऐसे काम ये सोचते हैं जो कि हमारी सोच से परे हो। एक बार इनके बारे में आप जरूर देखिएगा, ही हैज अ ग्रेट विजन एंड ही इज मार्वेलस, और मास्टरपीस हैं ऊपर वाले के बनाए हुए। 100 साल में एक ऐसे पैदा होते हैं, और कोई भी प्रोविजनल डिग्री इन्होंने नहीं ली, रॉकेट साइंस भी इन्होंने घर बैठे पढ़ा, कंप्यूटर भी घर बैठे पढ़ा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इनकी कंपनी टेस्ला काम कर रही है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार ला रही है, लाने वाली है, ला भी चुकी है काफी हद तक, क्योंकि हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग? कुछ कमेंट्स आते हैं तो मेरी नजर वहां पड़ जाती है और वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो इन्हें जरूर आप पढ़िएगा। आइए चलिए हाइपर लूप के बारे में देखते हैं। इसमें बच्चों एक ट्यूब बनाई जाती है, और ये ट्यूब का बड़ा सा मार्ग बनाया जाता है, एलिवेटेड होता है ये, कई सारे पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर इसे रखा जाता है। खास बात इसकी ये है बच्चों कि इसके आगे एक पंप होता है, फैन जैसा होता है, जो कि आगे हवा को सक करता है, कंप्रेस करता है, और यहां पे लो प्रेशर डेवलप करता है, लो प्रेशर, और काफी लो प्रेशर डेवलप करता है। और यहां पे जो मशीन होती है वो क्या करती है, हवा को प्रोपेल करती है, बाहर को फेंकती है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है, इधर लो प्रेशर और इधर हाई प्रेशर, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है। यही है बच्चों हाइपर लूप। हाइपर लूप में इस पंप को हम क्या कहते हैं, इसका नाम लिख लीजिएगा, दिस इज सील्ड ट्यूब, सील्ड ट्यूब है ये, सील्ड ट्यूब जिसमें आगे कंप्रेशन पंप लगा होता है या कंप्रेशन फैन, जो लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर क्रिएट करता है, और पीछे प्रोपेलर लगा होता है जिससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये आपका कप्पा है, कप्पा कह लीजिए, या इसको कार कह लीजिए, या इसको पॉड कह लीजिए। ठीक है बच्चों, ये टैक्सी है,
तार है या पॉड इसको कहते हैं, स्पेशली पॉड कहते हैं इसको, और यही मूव करता है। इसमें लोग बैठे होते हैं और वेरी लो प्रेशर वेरी हाई प्रेशर के कारण ये इसमें जस्ट फ्लोट करता हुआ आगे को जाता है। और इसमें भी सबसे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों, इसके रोड बनाने में, इसका ट्रैक बनाने में जो पैसा लगता है वो सबसे ज्यादा महंगा है। इसीलिए ये जो पॉड और कार जिसे हम बनाना चाहते हैं, इट इज वेरी स्विफ्ट। स्विफ्ट आप देख रहे हैं लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार है इसकी, इतनी तेज ये चलता है बच्चों। अच्छा, खास बात ये है ग्रीन हाउस इमिशन फ्री, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती इनसे। ग्रीन हाउस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो कि नहीं निकलती। अक्षत ने लिखा है कि इतनी स्पीड पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो बहुत लाइफ लॉस होगा। तो बुलेट ट्रेन पे भी एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ तो लॉस होनी है, और अभी क्या जो 150 किलोमीटर से जो ट्रेन चलती है उसमें भी, तो ये एसोसिएटेड खतरे तो होते ही हैं बच्चों। उससे हम क्या करें कि हम अपने डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। और कोशिश ये की जाती है कि ये जो हाई स्पीड जो टेक्नोलॉजी है इसको थ्रूपुट बनाई जाए, इसमें इस तरह की चीज़ें ना आए जहाँ पे एक्सीडेंट जैसी समस्या हो। ठीक है बच्चों, तो कोशिश तो यही होती है। खतरे किस में नहीं है, स्पेस रिसर्च में खतरा है, न्यूक्लियर रिसर्च में खतरा है, बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बना रहे हो, कुछ ऐसा बना दिए कि आप पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो खतरा हो जाए, तो हर जगह है, एसोसिएटेड डेंजर्स हैं, कोलेटरल डैमेज होते हैं, बट फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और उस परिपेक्ष में इसे हम देख रहे हैं कि ये स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के रूप में, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन इससे नहीं हो रहा है और तेजी से पहुंचा रहा है, तो इट इज़ बेटर वन। और ये बेटर एरोप्लेन का भी प्लेस ले सकता है क्योंकि बहुत तेजी से ये पहुंच रहा है, और एरोप्लेन से तो कम खतरनाक है। क्या ख्याल है आपका? ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो अगर रोक के कहे आप उतर जाइए, वहां तो उतर भी नहीं सकते, बट हाँ आप जमीन पे हैं, कम से कम वहां स्विफ्टली पहुंचा जा सकता है। बट यस, आपने सही कहा, खतरा इससे एसोसिएटेड है, और खतरा कहाँ नहीं एसोसिएटेड है। तो ग्रीन हाउस इमिशन फ्री गैस के कारण ये और अच्छा है। भारत में जो पहला हाइपर लूप बना है वो बच्चों बन रहा है, इनफैक्ट वो बन रहा है अमरावती से विजयवाड़ा, फर्स्ट हाइपर लूप, तो इसको भी नोट कर लीजिए, जानते रहिए, अमरावती आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा, फर्स्ट हाइपर लूप ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाइपर लूप ऑफ इंडिया, ये है अमरावती से विजयवाड़ा, अमरावती से विजयवाड़ा दूरी है बच्चों लगभग 70 से 80 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर, और ये दूरी तय की जाती है 5-6 मिनट में। जस्ट इमेजिन, 5-6 मिनट के अंदर आप अमरावती से विजयवाड़ा जा सकते हैं, ये इतना तेज है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट हाइपरलूप का ड्यू है इंडिया में वो है मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, मुंबई टू पुणे, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओयू किया है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओयू किया किसके साथ, ब्रिटिश कंपनी है वर्जिन,
हाइपर लूप बनाने के लिए, कौन सा? मुंबई टू पुणे, ब्रिटिश कंपनी वर्जिन, ठीक है बच्चों? और मुंबई से पुणे की जो दूरी है इट विल बी कवर्ड विद इन 20 मिनट्स, इट विल बी कवर्ड विद इन 20 मिनट्स। ये तो भारत में दो बनने वाले हैं, बन रहे हैं, जो बनके तैयार होंगे। इसके अलावा बच्चों विश्व के कुछ प्रमुख हाइपर लूप हैं जो आप जानते रहें तो बेहतर है। मैं बता देता हूं, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये स्थान इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो हाइपर लूप है वो कनाडा का है, फर्स्ट हाइपर लूप, इट इज फ्रॉम टोरंटो टू मॉन्ट्रियल, टोरंटो से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल फेमस है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, कहां है ये? कनाडा का हाइपर लूप है, और दूरी है लगभग इनके बीच 650 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 650 किलोमीटर, और ये दूरी तय होती है विद इन 40 मिनट्स। जस्ट इमेजिन, विद इन 40 मिनट्स। अगला है बच्चों लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को, इट इज इन यूएसए, 150 किलोमीटर की दूरी है, एंड इट इज कवर्ड इन 10 to 12 मिनट, इट इज कवर्ड इन 10 to 12 मिनट। जस्ट इमेजिन, 10 से 12 मिनट में ये कवर हो जाता है। और यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने भी इसको बनाने का प्रयास जारी है, वहां भी यूएई में आबू धाबी से दुबई पॉड बनाया जा रहा है, और आबू धाबी से दुबई जो है ये 150 किलोमीटर का सफर है। अगेन 10 टू 12 मिनट में ये कवर हुआ किया जाएगा, और 2022 तक ये बन जाएगा, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है बच्चों? ये तीन थे वैश्विक जो आपको हाइपर लूप है वो है जो आप जानने चाहिए। इसमें कुछ नाम है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, मॉन्ट्रियल इज इंपॉर्टेंट, लॉस एंजलिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है आप बताइए कमेंट करके, भाई लॉस एंजलिस इज इंपॉर्टेंट, यस दे आर द सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया एंड हॉलीवुड इज सिचुएटेड हियर, तो कुछ ये आसपास की चीज़ों को आप जानते रहा करिए। और ये आपके लिए स्पेशल क्लास थी आज, मेरा प्रयास था कि ये चीज़ें आप जान लें। फिर हम लोग शाम को मिलते हैं कुछ स्पेशल क्लास के साथ और कुछ करंट अफेयर के साथ, तो यहीं पे ये क्लास समाप्त की जाती है आज। मिलते हैं फिर शाम को बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे।